हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मित्तल डा, आपका फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं, जो मेरे मन में काफ़ी समय से चल रही थी। जो बच्चों से मेरा इंटरेक्शन होता है, मैंने आपको बताया है, रोज़ इतने बच्चों से इंटरेक्शन होता है कि क्या चल रहा है ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स के माइंड में, वो मुझे पता चल जाता है। और इसलिए मैं अभी काफ़ी, आप देख भी रहे होंगे, काफ़ी वीडियोज़ मैं गाइड कर रहा हूँ जो काफ़ी लोगों को मोटिवेशनल लग रहे हैं। बेसिकली वो सारे इश्यूज़ हैं जिनसे आप लोग डील कर रहे हो, और उसमें मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज जो मैं टॉपिक है मेरा, वो है डेडिकेशन। डेडिकेशन बराबर, इसके बहुत सारे वर्ड्स आप बोल सकते हो। ऑब्सेशन बराबर, कि सीएस कोर्स जब आप कर रहे हो, जब कोई चीज़ में आप जिंदगी भर काम करने वाले हो, बराबर, जब तक आप उससे उस लेवल तक का आपका प्यार नहीं होगा, वो पागलपन नहीं होगा, आप उतने एफर्ट्स नहीं दे पाओगे। तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि अभी जो ऑडियंस है, जो सीएस स्टूडेंट्स का जो पूरा कैटेगरी है, अगर आप उसको एनालाइज करो, आधे से ज़्यादा लोग मल्टीपल कोर्सेज कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही जुगाड़ बना रखा है कि अगर सर ये नहीं हुआ तो ये कर लूँगा, ये नहीं हुआ तो वो कर लूँगा। आप बहुत ज़्यादा सेफ खेल रहे हो, और ये यही रीज़न है आपके फेलियर का। अब मैं समझाऊंगा कैसे, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी आपने प्रोग्रामिंग कर ली है कि चलो यार ये फेल हो गया ना तो भी अपना करियर खराब नहीं होगा, अपन ये वाला कोर्स कर लेंगे। तो आपने माइंड में पहले ही अपने अपने आप को आपने सेटिस्फाई कर लिया है कि चलो सीएस नहीं भी हुआ तो मेरा करियर खराब नहीं होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कहीं और बना लूंगा। तो जब तक ये माइंड में आपने प्रोग्रामिंग कर ली है, अपने आप आपके एफर्ट्स कम हो जाते हैं, आप जल्दी इरिटेट हो जाते हो, आप जल्दी उस कोर्स से उब जाते हो, क्योंकि आपने सेकेंड ऑप्शन ऑलरेडी बना रखा है माइंड में बना लिया है। वो इंपॉर्टेंट है, भले कितने भी लोग बोल रहे होंगे या आपने एडमिशन ले लिया होगा, मेन है माइंड। आपके माइंड में क्या है, आपके माइंड में आपने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर ली है। एलएलबी कर लेंगे काफी लोग, सीए कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, एमकॉम कर लेंगे, जॉब कर लेंगे, पता नहीं क्या क्या पहले से ही माइंड में है। मतलब आपने सीएस को अपना लॉस लास्ट ऑप्शन बना रखा है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग रोते क्यों हैं, कि जब आपने खुद उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, जिस चीज में आप अपनी जिंदगी पूरा जिंदगी भर आप काम करना चाहते हो, बराबर, वो तो आपने, आपके लिए भगवान होना चाहिए। मेरे लिए था जब मैंने सीए किया, मैंने और कोई कोर्स नहीं किया। मैं बार बार ये इसलिए रीइटरेट कर रहा हूँ, वो पागलपन मिसिंग है सीएस स्टूडेंट्स में, वो पागलपन मिसिंग है, बहुत ही कम लोगों में है। और इसलिए वो लोग देखो, उनको कोई रोक नहीं पाया जिनमें एडिक्वेट पागलपन है, जिनमें एडिक्वेट पागलपन है, वो बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में 21 ईयर्स में बनते जा रहे हैं, 22 ईयर्स में बनते जा रहे हैं, उनको जॉब भी मिलते जा रहे हैं। ये सब फालतू बातों में वो कभी आए नहीं हैं, कि उनका माइंड क्लियर था कि उनको यही करना है, उनको इधर उधर की बातों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। उनके माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, और उनका माइंड में उनकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि यार बस यही मेरा करियर है, मुझे इस जिंदगी में यही काम करना है। और आपके माइंड में ही प्रॉब्लम है कि आपने अपने आप को कन्फ्यूज कर रखा है, क्योंकि आप मल्टीपल चीज़ों में आप अपने आप को डाल देते हो, और पूरा जो आपका करियर है वो कन्फ्यूजन में ही चला जाता है। 4 साल में लोग बन के रेडी हो जाते हैं, जॉब करने चालू हो जाते हैं, आप 4 साल से वही सोच रहे हो कि ये करियर करूं या ये करियर नहीं करूं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, इसलिए बता रहा हूं मैं। लोग सोचते रह गए, मेरे सीनियर्स यही सोचते रह गए कि यार ये करें वो करें, मैं तब तक सीए बन के जॉब करना चालू भी हो गया। हैरान परेशान हो गए लोग, ऐसे कैसे। तो फालतू चीज़ों में आपकी एनर्जी आप वेस्ट मत करो। आप बहुत, ये काफ़ी समय से गलत बात कर रहे हो, आपको लगता है कि एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपके आजू बाजू सब लोग यही कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। अरे भाई, सब लोग फेल होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मेजोरिटी गलत डायरेक्शन में है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे लेस देन 10% रिजल्ट है, तो लेस देन 10% ही लोग सही हैं, जो कि आपको माइनॉरिटी दिखता है, आप वो लोग हंसोगे उस पर। ऐसे लोग ही एक्चुअली बन रहे हैं, करियर बना रहे हैं, अच्छे जॉब्स कर रहे हैं, जल्दी सेटल हो जा रहे हैं, और लाइफ में बहुत चिल्ड, जो पूरा उन्होंने जो 3-4 साल मेहनत की है उनका वो फायदा ले रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं कि ये बहुत गलत हो रहा है, पागलपन मिसिंग है, दीवानगी मिसिंग है, सीएस कोर्स पे भरोसा ही नहीं है, तो ऐसे चीजें नहीं हो पाती। मेरा बोलना है कि ऐसे लोग सीएस छोड़ क्यों नहीं रहे, फिर काय का इंतजार है भाई आपको, कोई बटन दबाने का इंतजार है। जब आपको फेथ नहीं है, जब आपको सीएस में कोई प्रोस्पेक्ट नहीं दिख रहा, आपको आईसीएसआई में कोई फेथ नहीं है, तो फिर आपको कौन बांध के बैठा है भाई। जाओ ना, जहां फेथ है, जहां मन है, वो पढ़ो, क्यों बीच में अटके फिरे हो। मेरे को ये प्रॉब्लम है लोगों से।
आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, या तो आप करो या तो आप नहीं करो। बीच में जो 2-3 साल आप फालतू के बिता रहे हो और अपना ही टाइम खराब कर रहे हो और लोगों को कोस रहे हो, आप गलत जगह हो। चीजें अपनी जगह सही हैं, आप गलत जगह फंसे हुए हो, आपका माइंड कंफ्यूजन में है। कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरीज भी हैं इस दुनिया में। आपके यहाँ फेलियर भरे पड़े हैं, आजू बाजू बस फेलियर ही फेलियर हैं, तो आपको टॉन्ट मार रहे हैं। वहां से उभरो, थोड़ा सर्कल चेंज करो। हैं लोग ऐसे भी, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही फेलियर हैं, काफी लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, जॉब कर रहे हैं, अच्छा उनका करियर है, क्योंकि ये इन सब फालतू बातों में ध्यान नहीं देते, वो अपने हार्डवर्क पे ज्यादा बिलीव करते हैं, ना कि ब्लेम गेम में। आप ब्लेम गेम खेल रहे हो, ये नहीं है, वो नहीं है, कंपनी ऐसी कर रही है, वो ऐसा कर रहा है। अरे ये सब रहता है भाई, इंडिया है, परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं रहते अपन, ये हर फील्ड में है। आप मेच्योर तब होंगे जब आपको पता चलेगा कि ये हर फील्ड में है। हमको लगता था कि हमारा घर खराब है, अरे सबके घर खराब है भाई। सीए में भी चलते रहता, एलएलबी में चलते रहता, हर फील्ड में है। मैं किसी कोर्स की बात ही नहीं कर रहा, मैंने इतनी अब दुनिया देख ली है, इतने अलग अलग मैं काम कर चुका हूँ, जॉब कर चुका हूँ, प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मुझे पता है कि ये हर जगह है। हर इंसान जहाँ है वो वहाँ रो रहा है, यानी सब जो सीए कर रहे हैं वो खुश हैं। आपको ऐसा लगता है? जाके देखिए, अपने सीए फ्रेंड से बात कीजिए, उनके प्रॉब्लम्स भी हैं ही, आपसे भी शायद बड़े प्रॉब्लम्स होंगे वो। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि वो हर कोर्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप काय पे फोकस करते हो। बात समझ में आ रही क्या? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ पे फोकस करते हो, अच्छाइयों में कि बुराइयों में। वैसे इंसान में भी आप सुनते ही हो, हर इंसान अच्छा नहीं होता, मैं भी पूरा कहाँ अच्छा हूँ, जो मेरे साथ रहते हैं मुझे भुगतते हैं उनको पता है कि मुझ में कितनी बुराइयां हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अच्छाई पे ध्यान देते हो या बुराई पे ध्यान देते हो, और उसके हिसाब से आपको दुनिया दिखती है। आ रहा है ख्याल में? तो आप गलत चीज़ पे फोकस कर रहे हो, ऐसी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, और जहां आप कुछ कर सकते हो वहां आप फोकस कर ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे वहां फोकस। आ रहा है ख्याल में? तो ये मैं बात बता दूं आपको कि आप पहली बात जब आप कोई कोर्स ले रहे हो, आपको 100% समर्पित कर देना है उसको, कि बस अब मैंने ये चूज कर लिया है। आपका पता है प्रॉब्लम क्या है? मैं बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, आपको बताता हूँ मैं कि क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है। सोचना जो एक एक्टिविटी है, सोचना जो एक्टिविटी है वो सिर्फ एक ही बार होती है, जब हम डिसीजन लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूँ जो आप मैनेजमेंट और इस सब में पढ़ते हो, कि जब आप डिसाइड कर रहे हो तब आप सोचते हो, और एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया है उसके बाद आप क्यों सोच रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब आपने सीएस को करियर चूज कर लिया है, अब आप सोच क्यों रहे हो? आपने ले लिया ना, जब लेना था जब लिया तब क्यों नहीं सोचा? सो रहे थे ऐसे ही सबको, क्या फॉलो कर रहे थे क्या, ये ले रहा है चल मैं भी लेता हूं। समझो बात को, जब सोचना था तब आपने सोचा नहीं, अब जब सोचना नहीं है तब आप सिर्फ सोच रहे हो, करने का काम कर ही नहीं रहे हो, और फिर बस नाराज हो रहे हो, लोगों से नाराज हो रहे हो, कोर्स से नाराज हो रहे हो, फैमिली से नाराज हो रहे हो। तो आप बेसिकली अंदर का वो जो आपके अंदर भरा पड़ा है ना, आप निकाल रहे हो। आ रहा है समझ में? तो ये आप गलत कर रहे हो, अभी आपको सोचना नहीं है, अभी आपने वो ले लिया है, अब आप उसमें बस फेथ रखो, डेस्टिनी पे बिलीव करो कि चलो मैंने अब ले लिया है, सोच समझ के लिया है। अगर मैं बिलीव करता हूं तो 2-4 लोगों की बातों में मैं क्यों आ रहा हूं? ये प्रॉब्लम है। अब 2-4 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, उससे ज्यादा नहीं होंगे ऐसे लोग, बरोबर। तो आप उनसे ऊपर उभरो कि दुनिया और जो वर्ल्ड है, जो कॉरपोरेट दुनिया है, जो करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो ये 50 लोग डिफाइन नहीं कर सकते, 50 लोग पूरी दुनिया नहीं देखे हैं। आ रहा है ख्याल में? तो आपको ये समझना है कि वो अपने पर्सनल फेलियर्स की बात कर रहे हैं, आप उसको जनरलाइज मत करो। आप जनरलाइज कर रहे हो, वो बोल रहे हैं कि मैं फेल हुआ हूं, आप समझ रहे हो कि पूरा सीएस फेल हुआ है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा आपकी, मतलब ग्रामर इतनी खराब है क्या? अरे वो पर्सनल फेलियर्स बता रहे हैं कि मुझे जॉब नहीं मिला, मुझे फेलियर मिला है, मैं पास नहीं हो पा रहा हूं, इट्स अ पर्सनल फेलियर। मुझे समझ भी नहीं आ रहा, यानी इंसान अपने फेलियर्स बता रहे हैं, आप उस पे अपने अपने पे क्यों ले रहे हो? इससे और आपको सीखना चाहिए कि वो क्यों फेल हुआ, ताकि मैं ना हूं। नजरिया ये भी, जब मैं सीए कर रहा था, मैं आपको एक बात बताऊंगा, अमरावती में भी यही हाल था, मैं कोई मतलब आसमान में नहीं था, हमारे यहां भी एक दो बच्चे पास होते थे। अगर एक 50 बच्चों का हॉल है सीए स्टूडेंट्स का, 2 या 3 लोग निकलते थे, 47 लोग रोते रहते थे। उसी एनवायरनमेंट में मैं भी पढ़ा था, उसी एनवायरनमेंट में ही पढ़ा हूँ, वैसे ही मेरे भी सीनियर्स थे कि यार नहीं हो रहा, टफ है, इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा, पर मैंने कभी सीए छोड़ा नहीं,
कि यार हो ही नहीं रहा, सब लोग इतने फेल हो रहे हैं। मैं उनसे सीखा कि यार वो क्या गलत कर रहे हैं, क्यों उनसे नहीं हो रहा, क्या गलत वो कर रहे हैं, तो मैं उस पर इंप्रूव करूं। जॉब नहीं मिल रहा, अरे भाई उनकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, जॉब की जो रिक्वायरमेंट है अगर आप वो फुलफिल नहीं करोगे तो कोई आपको क्या सिर्फ एक डिग्री की वजह से रखेगा क्या? पैसे देने हैं उसको, आपसे कुछ कमा के लेना है। जब आप एक एम्प्लॉयर बनोगे ना तब आपको समझेगी ये चीज़। अभी क्या है, एक ही आंख से पूरी दुनिया देख रहे हो ना आप, दूसरी आंख भी खोलो, एम्प्लॉयर बन के देखो, कंपनी खोलो, तब एक कंपनी सेक्रेटरी को हायर करो और उसको इंटरव्यू करो, फिर देखो कि आपसे आपको उसे क्या काम कराना है और उसको क्या आता है। ये चीज़ें हैं, हार्ड हिटिंग फैक्ट्स हैं। इतनी बकवास कर रहे हो तो ये बातों पे भी थोड़ा ध्यान दो, ये भी बातें हैं, ये भी रियलिस्टिक है, इक्वली आ रहा है ख्याल में? तो ध्यान दो, मेरा बोलना है कि आप कमियों पे ध्यान दो ताकि आप उसको निकाल पाओ। अगर आपको पता चल रहा है कि किसी को जॉब नहीं मिल रहा क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, वो इंटरव्यू में बोल नहीं पा रहा है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा कम है, ट्रेनिंग में माइट भी उसने उतना काम नहीं किया होगा, तो ये चीज़ें आपको सीखने लायक है, ना कि इससे आपको डिमोटिवेट होना है। आपको और समझ में आनी चाहिए कि अरे वाह कितनी अच्छी लर्निंग मिली है, कि यार उसने ये गलती की, अब मैं नहीं करूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो फर्स्ट डे में पास नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आप अगर उसको स्टडी कर लो, उनकी गलती पे ध्यान दो, तो आप वो गलती अवॉइड करो ना। ये भी तो एक रास्ता है, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। आप क्यों अपने आप को डिमोटिवेट करो, आप उसको एज अ लर्निंग लो कि उसने क्या गलत किया और मैं कैसे वो गलत ना करूं। और वही मैं आपको सब बताते रहता हूँ। अभी फिर से देखो वही हो रहा होगा, जून 2020 वाले बच्चों को मैंने बोला कि यार पहले 3 महीने ही हैं जो आपको डिसाइड करेंगे कि आप बोध ग्रुप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। अब काफी लोगों ने अभी तक माइट भी क्लासेस नहीं लगाई होंगी, माइट भी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की होंगी, कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन में 1.5-2 महीने निकल जाएंगे, यही गलती हो रही है देखो। तो आपको ये ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि गलतियां मत करो, वही वही गलतियां मत करो। जब आपको वो लर्निंग्स मिली हैं, उस लर्निंग का फायदा लो, उस लर्निंग का फायदा लो, ऐसे मेंटल एटीट्यूड से ही आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये बातें थी दोस्तों जो मुझे बतानी थी कि कुछ लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों को अनड्यू इंपॉर्टेंस दे रहे हो आप। मेरे हिसाब से मैं भी उसमें से एक हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। आपकी बुद्धि पॉजिटिव वे में है या कहीं और है, ये आपको सोचना है, उस हिसाब से आप इंपॉर्टेंस देते हो। आ रहा है ख्याल में? चीज़ें वैसी अट्रैक्ट होती हैं जैसे आप हो। तो अगर आप पॉजिटिव हो, हार्डवर्किंग हो, तो आप उस चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप आलसी हो, अगर आप डरपोक हो, तो आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। आ रहा है ख्याल में? अट्रैक्शन वैसे ही होता है जैसे आप होते हो, समझ में आ रहा है? तो थोड़ा थॉट प्रोसेस को बदलो, बरोबर। पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, अगर आप सही करोगे तो आपसे सही होगा। चीज़ों पे ध्यान दो, कंसेप्ट्स पे ध्यान दो, स्किल्स पे ध्यान दो। पहले ही लोग हार्डवर्क से डर जाते हैं कि यार मेरे से नहीं होगा, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको मस्त लाखों रुपए का जॉब मिले, तो ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, सोचो ना, सोच के देखो, बहुत बड़ा मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। तो मेरा बस यही बोलना है कि डेडिकेट कर दो अपने आप को, एक बार सोच के एक बार का डिसाइड कर लो। अभी भी लोग 3-3 साल से वही चीज सोच रहे हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ चलो अभी आप एग्जीक्यूटिव पे हो ना, अभी भी सोच लो, अभी भी मैं बोल रहा हूँ एक हफ्ते की छुट्टी लो, सोच लो कि भाई आपको सीएस करना है कि नहीं करना है, बस फिर उसके बाद मत सोचना। आ रहा है क्या ख्याल में? अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी रिजल्ट आने का है, या रिजल्ट के आने के बाद एक हफ्ता आप सोच लेना, पर मैं बोल रहा हूँ बस एक बार अगर आपने सोच लिया ना, फिर बस जो सोचा है उसको पूरा करो। ये बीच में लटकते लटकते रोते रोते जिंदगी मत काटो, कुछ हासिल नहीं होने वाला इससे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। आ रहा है क्या ख्याल में? मैं बता रहा हूँ, रोने वाले इंसान रोते ही रहते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ते हो। और अगर आप अपनी गलतियां देखोगे, उस पर काम करोगे, तो आपको बहुत रास्ते दिखेंगे, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मैं बता रहा हूं आपको, गलतियों पे ध्यान दो बस, गलतियों से सीखो, आपकी गलतियां, दूसरों की गलतियां, सीखते सीखते आगे बढ़ो। अपने एफर्ट्स को मत रोको, एफर्ट्स तो लगेंगे ही। आप कोई भी फील्ड में जाओ, आपको लगता है अब ये कोर्स ले लोगे तो हो जाएगा, अरे अगर आप यहां नहीं कर पा रहे हो, ये कोर्स आपसे नहीं हो रहा है, तो यार चांसेस तो है कि वो भी नहीं हो सकता है, वो हो जाएगा, बस अजम्पशन, बस ये नहीं हो रहा ना तो बाकी दुनिया के सारे कोर्सेज मेरे से हो जाएंगे, ये काय का असम्पशन है। ये नहीं हो रहा, वहां भी नहीं हो सकता, फिर क्या करोगे, फिर तीसरा कोर्स ढूंढोगे। बस यही काम है ना आपको, यही काम है। अपनी गलतियों पे ध्यान दोगे नहीं, अपने आप को इम्प्रोवाइज करोगे नहीं, बस जो आप जैसे हो वैसे ही आपको जो मैच हो रहा है ले लो। अरे अपने आप को इम्प्रूव करो ना, उस लेवल पे लाओ, काबिल बनाओ अपने आप को, ये भी तो एक चीज है ना। आप स्किल्स लाओ ना, अपने पर्सनैलिटी डेवलप करो, स्किल्स लाओ, कंसेप्ट्स को पकड़ो, सब्जेक्ट्स को लिंक करो। आप थोड़ा सा सर्विस पे ध्यान दो कि आप क्या सर्विस दे सकते हो एक कंपनी को, क्यों आपको हायर किया जाए, आपको क्या आता है, आप कैसे उनको हेल्प कर सकते हो कॉम्प्लायंस में, ये आप ध्यान दो। अब
अनफॉर्चुनेट ये है कि इंडिया में कॉम्प्लायंस का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले तो जीरो था। सबको पता है कि कानून की क्या धज्जियां लोग उड़ाते हैं, आपको पता है, पर धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ रही है, धीरे धीरे अब चीजें चेंज हो रही हैं, लोगों का माइंडसेट बदल रहा है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जब तक आप सीएस बनोगे तब तक आपको बहुत बड़ा चेंज दिख जाएगा। लोग सोच रहे हैं आज क्या होगा, अरे भाई आप फ्यूचर में देखो कि जब मैं सीएस बनूंगा तब क्या होगा। लोग आज फाउंडेशन ले रहे हैं और रो रहे हैं, अरे भाई तू कब बनेगा, कब तू मार्केट में उतरेगा, देख तो सही, तेरे पास बहुत टाइम है अभी। आज अगर किसी का स्कोप है तो 5 साल बाद भी रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? जो लोग उल्टा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आज नहीं तो फ्यूचर में कैसे आएगी, अरे भाई इंडिया डेवलप हो रहा है, देख नहीं रहे हो, अंधे हो, सब चीजें बदल रही हैं, इतने कानून पास हो रहे हैं, इतने चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे लोगों की मेंटेलिटी बदल रही है। आपको खुद को ही एनालाइज कर लो, 5 6 साल में, 10 साल में आप कितने बदले हो, आपका नजरिया कितना बदला है, कॉम्प्लायंस से रिलेटेड है, चेंज है, डेफिनेटली है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि जितने चांसेस खराब चीज को सुधरने में है उतने ही चांसेस अच्छी चीज को खराब होने में भी है। अगर आप किसी कोर्स में इतना आपको फ्यूचर दिख रहा होगा, जब तक आप बनोगे अगर उसका फिर स्कोप निकल गया तो फिर आप क्या करोगे? तो ये चीजें हो सकती हैं, बोथ वेज होती हैं वो। आप बस अपने अपना मतलब जो एक बात याद आ गई आपको बता देता हूँ कि जो रिलेटिव्स का काम है, जो आपके दोस्तों का काम है, वो आप कर रहे हो, अरे वो सोचेंगे आपके लिए बुरा, आप अपने लिए तो अच्छा सोचो। जब आपकी सोच, आपकी मेंटालिटी, आपका ब्रिलियंस आपके खिलाफ हो जाता है तब आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूं अगर आपको लगता है कि आप बहुत होशियार हो तो आप अपने पॉजिटिविटी के लिए लो, नेगेटिविटी के लिए नहीं। अभी आप अपनी मेंटालिटी, अपना जो पूरा आपका पॉजिटिवनेस है, यानी अपना जो आपकी काबिलियत है, वो आप अपने खिलाफ ही यूज कर रहे हो। मतलब आपको कोई दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही अपने दुश्मन हो। आई होप आप समझ रहे हो, कोरिलेट कर पा रहे हो कि आप खुद का ही इतना बुरा सोच रहे हो कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही जमीन के नीचे 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 अपनी सोच को दबाते जा रहे हो। आ रहा है ख्याल में? तो मैं वही बोल रहा हूं, एक चीज अपने आप को ये बोलो कि जब भी आपको गलत थॉट्स आए कि यार ये तो बाकी लोगों का काम है, अगर आप ही अपने बारे में गलत सोचोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, वो उनके लिए रहने दो। आप अपने लिए अच्छा सोचो, उल्टा सोचो जो बाकी लोग सोचते हैं। वो सोचते हैं कि आप करियर नहीं बना पाओगे, आप सोचो कि नहीं मैं बनाऊंगा। वो सोचते हैं कि आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे, आप करो। उनको लगता है कि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तुम कंसेप्ट क्लियर करो। उनको लगता है तुम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते, तुम इंटरव्यू क्रैक करके दिखाओ। ये मेंटालिटी होनी चाहिए। तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में हो। काफी लोग हैं जो लोगों को लगता है नहीं मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सही डायरेक्शन में हो, करते रहो, आराम से हो जाएगा। आ रहा है ख्याल में? तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने भी एफर्ट्स कर लो। काफी लोग क्या करते हैं कि एफर्ट्स गिनते हैं, सर मैं तो 10 घंटे पढ़ता हूँ फिर भी फेल हो रहा हूँ। अरे पर तुम्हारे मेंटालिटी जब तक तुम बदलोगे नहीं, सिर्फ एफर्ट से नहीं होता भाई, ये कोई मजूरी वाला काम नहीं है। सिर्फ किताब खोल के दिन भर नहीं बैठना है, पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल से भी फर्क पड़ता है। वहां जाके अगर आपके हाथ कांप रहे हैं तो आप कैसे पास होंगे? 10 12 घंटे जो पढ़े थे उसका कोई काम नहीं है। वहां 3 घंटे आप कितने सॉफ्टली, कितने स्मूथली पेपर अटेम्प्ट करते हो, आपका माइंड माइंडसेट लेवल कितना है, आप में कॉन्फिडेंस कितना है कि आप जीत सकते हो, आप आराम से पास कर सकते हो, दैट डिफाइन्स द सक्सेस। आ रहा है ख्याल में? नंबर ऑफ आवर्स से नहीं होता है, नंबर ऑफ आवर्स अगर आप आपके कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो आवर्स वेस्ट हो रहे हैं, वो आवर्स वेस्ट हो रहे हैं। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर इतने एफर्ट्स देके भी अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, पेपर के पहले आप 40 के भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो वो 8 10 घंटे पूरे बेकार हैं। यू हैव टू कन्वर्ट इट इंटू योर कॉन्फिडेंस, और आप आराम से बोलो कि यार 40 तो आ ही जाएंगे, 40 के कोई वांदे नहीं है कोई सब्जेक्ट में, बस किसी में 60 लाने हैं, किसी में 40 45 लाने हैं। ये स्मार्टनेस आप में होनी चाहिए कि हर सब्जेक्ट में भी 60 नहीं मिलते। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, कहाँ 80 लाने हैं, कहाँ 40 पे खेलना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अपने आप के लिए आप एक स्ट्रैटेजी बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है? तो आप डेडिकेट कर दो, आपके सामने बहुत एग्जाम्पल्स हैं, सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, धोनी है, द्रविड़ है, गांगुली है, बहुत सारे लेजेंड्स भरे पड़े हैं, सहवाग है, सब ने देखो समर्पित कर दिया अपने आप को। कोई दिखा जो क्रिकेट के अलावा कुछ और भी ट्राई कर रहा हो, यार क्रिकेट में नहीं जमा तो फुटबॉल खेल लूंगा, ऐसा कुछ है कहीं दिखा? कहीं कितना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, सोच के देखो विराट कोहली और ये लोग कितना मतलब रिस्क ले रहे हैं। अगर ये क्रिकेट में नहीं चले, इनके पास कोई और काम ही नहीं है, इनको कुछ आता ही नहीं है, सोच के देखो रिस्क लेना पड़ता है। डेडिकेशन लेवल देखो, कुछ और सोचते ही नहीं है दिन भर, बस वो विराट कोहली के अगर आप कोट्स पढ़ते हो या उसके इंटरव्यू फॉलो करते हो, पूरा दिन गेम की बात करता है, कैसे मैं गेम इंप्रूव करूं, फिटनेस पे कैसे ध्यान दूं,
इसलिए तो इतने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है वो। कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? मेरी सेम एज का है वो। मैं मतलब शैटर हो गया जब मुझे पता चला विराट कोहली माइट भी मेरे से भी यंग है। और सोचो कहाँ क्या लेवल ऑफ सक्सेस है। हार्डली कितने साल वो लगे होंगे उनको। सो देखो उनकी स्टोरी पढ़ो, कितने कम साल में देखो उन्हें टर्न हो गया। मेंटालिटी कितना मतलब गेम प्ले करती है, आप कितनी जल्दी यू टर्न ले सकते हो। सब मेंटालिटी का गेम है। माइंड, एनर्जी, हर चीज़ एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। प्रॉब्लम है आपके एफर्ट्स अलग डायरेक्शन में है, आपकी मेंटालिटी और आपका माइंड अलग डायरेक्शन में है। सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। आ रहा है ख्याल में? सिर्फ प्लग लगाने से कुछ नहीं होता, बटन ऑन करना पड़ता है। आप बोल रहे सर प्लग तो लगा दिया है, ऑन ही नहीं हो रहा। अरे तो बटन तो ऑन करो। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये ध्यान दो, बहुत बड़ी चीज़ है। अलग से बैठ के एक दिन सोचो इस पे, एक बार का सोच के खत्म कर दो कि आपको इस फील्ड में रहना है या नहीं रहना है। हर रोज ये जो आप अपने आप पे अत्याचार कर रहे हो ना, ये बंद करो। हर रोज अत्याचार चल रहा है। कुछ मिला रोना चालू, कुछ मिला रोना चालू। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कर क्या रहे लोग। भाई अगर आपको भरोसा नहीं है, आगे बढ़ो लाइफ में। आपको वो कोर्स अच्छा लगता है वो करो, कहीं कोई मना तो नहीं किया हुआ। आपको मेडिकल फील्ड अच्छी लगती है, आप मेडिकल फील्ड जाओ। आपको इंजीनियरिंग अच्छी लगती है, इंजीनियरिंग जाओ। आपको लॉयर बनना है, लॉयर बनो। आपको कुछ और बिजनेस फील्ड में जाना है, बिजनेस खोलना है, बिजनेस करो। किसने आपको बांध के रखा है भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों रो रहे हो। जो है, जो इसमें इंटरेस्ट है, जिसमें पैशन है, जिसमें आप अपना 100% दे सकते हो, वो करो। बात खत्म। इतना ही सिंपल ही कंसेप्ट है। ये बीच का कंसेप्ट कहीं है ही नहीं कि वहीं अटके रहना है, 100% भी नहीं देना है, बाकी लोगों को सुनाना भी है। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये कहाँ तक चलेगा? कहाँ जाओगे इससे? कहाँ पहुँचोगे? आ रहा है ख्याल में? तो मेरा बस ये सजेशन है दोस्तों। अब हाँ, इस वीडियो में काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ, तो मुझे पता है नंबर ऑफ डिसलाइक्स बहुत आने चाहिए। मैं तो चाहता हूँ ये वीडियो मेरे चैनल का मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो होना चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि आपके माइंड में इम्पैक्ट पड़ा है। आपको इतना बुरा लगना चाहिए कि आप मुझसे नफरत कर लो, चैनल अनसब्सक्राइब कर लो। मुझे पता है ये टेम्पररी है, जैसे आपका माइंडसेट खुलेगा आप फिर से सब्सक्राइब कर लोगे, फिर से फॉलो कर लोगे। मुझे पता है ये चीज़। इतना मतलब मैंने दुनिया देख ली है। टेम्पररी वो गुस्सा आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप डिसलाइक करो, 25, 30, 50 डिसलाइक आने चाहिए, तो मुझे लगेगा कि हाँ यार 50 लोगों तक तो मेरी बात पहुँच गई। यानी हर डिसलाइक बटन मुझे बताएगा कि आपको बुरा लगा है, और मैं चाहता हूँ कि आपको बुरा लगे, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी अगर उस साइड होगी तो आपको बुरा लगेगा। अगर आप सही साइड हो तो आपको बुरा लगेगा ही नहीं। आपको तो ये एज अ कन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ यार मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ, सर भी ऐसे ही बोल रहे हैं, क्या बात है। मतलब मैं एफर्ट करूँ तो मेरा काम हो जाएगा, बराबर। तो अगर आप सेम डायरेक्शन में हो, सेम चीज़ें सोचते हो, तो आपको तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए। आपने लाइक बटन दबाना है कि चलो इतने लोग सही डायरेक्शन में हैं। और जितने लोग भी निगेटिव बोलेंगे, कमेंट करेंगे, निगेटिव डिसलाइक करेंगे, मतलब वो लोग गलत डायरेक्शन में थे और अब मेरी बात उन तक पहुंच गई है, ऐसा मैं समझ के खुश हो जाऊंगा। हर डिसलाइक बटन एक्चुअली मुझे खुश करेगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बहुत मूड में हूँ कि यार चलो ये हो, मतलब हो तो हो, ठीक है। अब ये लेवल पे आ गए कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 10, 15, 100 सब्सक्राइबर कम हो गए, अच्छी बात है। एक वीडियो पे 100 डिसलाइक आ गए, चलो अच्छी बात है। ये भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि क्या वही 5, 10, 5, 10 डिसलाइक होते हैं, उसमें भी कितने जेन्युइन है पता नहीं है। इस वीडियो में एटलीस्ट मुझे लगता है कि चलो सब डिसलाइक जेन्युइन होंगे, सब बच्चे स्टूडेंट्स होंगे एक्चुअल वाले, और उनको बुरा लगना चाहिए। और वो बुरा लगने से भी काम नहीं होगा, बस डिसलाइक किया और अपने इसमें चालू हो गया, ऐसा नहीं। उस पर सोचना कि जो मैंने बोला है वो सही बोला है कि नहीं, और आपको उस पर फिर क्या करना है। एक बार का मैं बोल रहा हूँ, अभी रिजल्ट है। जो भी लोग अटके हुए हैं, 4, 5 अटेम्प्ट से जो लटके हुए हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट के बाद ठंडे दिमाग से सोचना। पास हुए तो भी सोच लेना भैया, अभी और प्रोफेशनल बाकी है, ट्रेनिंग बाकी है, बहुत लंबा सफर है अभी। तो पास हुए तो भी सोचना है, फेल हुए तो सोचना ही पड़ेगा। एक बार का सोच के खत्म करो कहानी। जितने लोगों से कंसल्ट करना है करो, जितने नेगेटिव लोगों से मिलना है मिलो, जितने जॉब मार्केट के बारे में स्टडी करनी है करो। एक बार का करके खत्म कर दो, उसको कंटिन्यू मत करो, पूरी जिंदगी उसमें मत बिताओ। आपका काम पढ़ना, समझना, अंडरस्टैंडिंग लाना है, ना कि बस ये क्वेश्चन मार्क लगा के रखना कि यार भी मैं कर लूंगा तो। अरे कर कहाँ रहे हो आप? कर कहाँ रहे हो? किया कहाँ है आपने? पास कहाँ हुए हो? मतलब लोग ऐसे ही बोलते हैं जैसे वो सीएस बन गए हैं। अरे भाई अभी बने नहीं हो, बनो, फेस करो, फिर कंप्लेन करो। अभी तक आपने कुछ किया नहीं है, बुरा लगेगा आपको, पर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। जब आप पास हो जाते हो, सीएस बन जाते हो, तब आप
बोल सकते हो कि ठीक है मैं अभी बन गया हूं और अब मुझे प्रॉब्लम जा रही है, तब मैं मानूंगा। आप कुछ बने ही नहीं हो, आपने कुछ किया ही नहीं है और आप बस हवा में तीर छोड़ रहे हो, ये इसका ये नहीं है, उसका वो नहीं है। अरे तो भाई आप सीएस कहाँ हो अभी? आप पास तो करो फिर बातें करो, पहले पास कर लो फिर ये सब डिस्कशन करो और ये सब ग्रुप्स व्रुप्स ये सब करो, ठीक है? तो दोस्तों एक ही बात बस बोलना चाहूँगा, डेडिकेशन। डेडिकेशन मिसिंग है, मल्टीपल कोर्सेज में लोग घुस रहे हैं, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, इस वजह से आप एफर्ट ले ही नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आपके माइंड में आपने इतने ऑप्शंस डाल के रखे हैं कि आप एफर्ट ही नहीं डाल पा रहे हो, आपसे उतनी मेहनत नहीं हो रही है और वो फेलियर आप एक्सेप्ट भी कर ले रहे हो बिकॉज आपने एक रास्ता ढूंढ लिया है। अगर वो रास्ता ना हो तो आप और मेहनत करोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि मैं कितने अटेम्प्ट दे रहा हूँ। ये जो अटेम्प्ट गिनते रहते हैं ना, इसलिए गिनते हैं क्योंकि उनके माइंड में कोई और ऑप्शन होता है, कि अगर आपके माइंड में ऑप्शन ही एक ही है तो कितने बार आप फेल होते हो क्या फर्क पड़ता है, आपको लाइफ में करना ही वही है। हाउ डज इट मैटर? इंप्रोवाइज करते जाओ, हर अटेम्प्ट में गलतियां सुधारते जाओ। कहाँ आप ये कर रहे हो, आप हर चीज के लिए कैपेबल हो? पहले तो आपको ये पता है कि नहीं, आप में हर चीज की क्षमता है कि नहीं, इस पे तो कोई डाउट नहीं है ना आपको? ये इस पे भी क्वेश्चन आ गया, इस पे भी एक वीडियो बनाऊं क्या? आप कैपेबल हो, जब तक आपके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है आप कैपेबल हो। मेरा सिंपल, मैं फेस टू फेस में ये बोलता हूं, सर मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे किसने बोला? ट्राई किया क्या? उससे नहीं हुआ तो तुमसे भी नहीं होगा, ये कौन सी बात है भाई? ये कहाँ का कंपैरिजन है? आप ट्राई तो करो, आप करो करके तो देखो। बोध ग्रुप सर नहीं होगा, जैसे कि 10 बार दो ग्रुप दे चुके हैं। अरे तुमने दिया ही नहीं है बोध ग्रुप, तुमको कैसे पता नहीं होगा? और पास को फ्यूचर में क्यों लगा रहे हो? पास में आपने मेहनत नहीं की थी बिकॉज ऑफ वेरियस सर्कमस्टांसेस। अब अगर आप अपना माइंड बदलो, अब अगर आप 100% दे दो तो क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है, वही प्रॉब्लम यही है माइंड में, कि आपको अपने खिलाफ ही इतनी चीजें आपने भर के रखी हैं कि आप अपने ही खुद दुश्मन बन गए हो। मतलब आपको दुनिया में कोई दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही अपने दुश्मन हो। स्पीचलेस हूं मैं, बता रहा हूं मैं आपको, ऐसी ऐसी चीजें होती है मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ कि बच्चों को यार मैं क्या बोलूँ, व्हाट्सएप पे क्या बोलूँ, क्योंकि ये चीजें ज्यादा आप फेस टू फेस अच्छे से समझा सकते हो। कि मैं समझाते आया हूँ 5 साल से, मैंने बहुत लोगों के माइंड बदले हैं, बहुत लोगों को रियलिटी बताई है, और ये फेस टू फेस मैं बहुत अच्छे से कर पाता हूँ, पर वीडियो में व्हाट्सएप पे कॉल पे ये कितना इफेक्टिव होता है आई डोंट नो। बस ये डाउट है, ये रिस्क है एक्चुअली, कि वीडियो में लोग कुछ भी ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, पर कोई बच्चा अगर मेरे साथ फेस टू फेस बैठा है तो मुझे पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ कम्युनिकेट हो रही, कोई डाइवर्जेंस नहीं है, कोई बीच में डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, बराबर। वीडियो ऑडियो और इसमें सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए 100% चीज़ें प्रॉपरली उस इंटेंशन से कम्युनिकेट नहीं हो पाती। आ रहा है ख्याल में? चलिए तो दोस्तों ये सब था, ये सब बताना था, बहुत समय से बताना था, कि यार पहले आप 100% अपने आप को डिवोट करके देखो और फिर अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करो। अभी तक आपने अपना 100% दिया ही नहीं है। जितने भी लोग सीएस कर रहे हैं उनके पैर फैले हुए हैं, अलग अलग कोर्सेज में उन्होंने लिया हुआ है, वो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं वो, और फिर उसमें से अपने दिन का कुछ वो एफर्ट सीएस में दे रहे हैं और उतने में उनको सक्सेस चाहिए। तो ये नहीं होता यार, ये नहीं होता। अगर आपको उस लेवल तक पहुंचना है, अगर आपको उस कोर्स की आपके माइंड में उतनी अहमियत है, प्रॉब्लम है पहले अपने माइंड में अहमियत तो बनाओ। आप अपने माइंड में अहमियत ही नहीं बना रहे, आपके लिए जब तक वो एक बड़ी चीज़ नहीं होती है, जब तक आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हो बाकी लोग भी नहीं करेंगे। आप समझो बात को, पहले आप रिस्पेक्ट करना शुरू करो कि नहीं यार सीएस बेस्ट कोर्स है, नहीं यार आईसीएस है बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें कर रही है हमारे लिए। फेथ ही मिसिंग है, फेथ रखो। जैसे आप अपने ऊपर फेथ रखते हो, पेरेंट्स पे फेथ रखते हो, फ्रेंड्स पे फेथ रखते हो, इन पे भी फेथ रख के देखो और फिर एफर्ट्स लेके देखो, उसका फर्क पड़ेगा। सिर्फ एफर्ट लेने से नहीं होता, फेथ डेडिकेशन हर चीज का एक कॉम्बिनेशन होता है वो, ठीक है? तो ये वीडियो से आपका क्या क्या आप लेके जाओगे, कि बस डिसलाइक ही दबाते रहोगे? सीख क्या लोगे? सीख यही लेना है कि एक बार सोच के खत्म कर दो, एक बार सोच के खत्म कर दो। मैंने रियली बता रहा हूँ, मैंने बस 11th में एक ही बार सोचा था कि मुझे सीए करना है कि नहीं करना है। वो बस 11th का वो एक दिन था जब मैंने एडमिशन लिया, और पूरा सीए बनने तक मैंने कभी सीए करना है नहीं करना है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं सोचा। सोचने का काम एक ही बार होता है भाई, बार 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 सोचते रहोगे तो फिर करोगे कब?
मैंने बस एक बार सोच लिया, इलेवेंथ में जितना मुझे लगा, जितने लोगों से मुझे मिलना था, जितने लोगों से पूछना था, जितना नेट पे सर्फिंग करनी थी, मैंने सब एक बार का कर लिया और तब मैंने माइंड बना लिया कि चलो ये कोर्स करना है। उसके बाद मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा आपको, मैंने सोचा ही नहीं कभी, बस मैं लग गया कि अचीवेबल है, मैं कर सकता हूँ। मुझे अपने एफर्ट्स में भरोसा था कि कितना भी टफ हो, कितने भी लोग अटेम्प्ट दे रहे हो। मेरे घर के ऑपोजिट में एक मेरे सीनियर थे, काफ़ी सीनियर, मतलब तब मैं तो 11 में था, वो CA फाइनल में थे, उनको भी काफ़ी अटेम्प्ट लगे थे। तो मुझे सब वही एग्जाम्पल देते थे कि घर के बाजू में ही लोग हैं जो कर नहीं पा रहे सी, और इसको CA करना है। तो ऐसे एग्जाम्पल मेरे यहाँ भी थे, अरे मेरे गली के अंदर ही थे भाई, पर मैंने कभी उसको हावी नहीं होने दिया, मैंने कभी कॉपी पेस्ट नहीं किया। उसको अटेम्प्ट लग रहे तो मेरे को भी लगेंगे, अरे ऐसा कैसे, सबकी लाइफ अलग है, सबके टैलेंट अलग है, सबके हार्डवर्क अलग है, क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हो? ना फेलियर्स कॉपी पेस्ट करने, ना सक्सेस कॉपी पेस्ट करने, दोनों के लिए बात कर रहा हूं। वो सक्सेस हो गया तो आप भी हो जाओगे, क्या गारंटी है? दोनों वाइज कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हर इंसान यूनिक है, सबके पर्सनैलिटीज अलग होते हैं, सबके हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटीज अलग होते हैं। आप अपने आप को पहले पहचानो, अपने साथ थोड़ा वक्त बिताओ, अपने कैपेबिलिटीज को जानो, अवेयर हो जाओ अपने आप के बारे में, जो आपको MBA में सब करवाते हैं। प्रॉब्लम है आप अपने आप से वाकिफ ही नहीं हो, अपने आप से पहले वाकिफ हो जाओ कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, कैसे वो आप कर पाओगे अगर कुछ चेंजेस हो जाएं। तो ये चीज़ों के बारे में आप सोचो। मैं बता रहा हूँ अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, और एक नई शुरुआत आप कर सकते हो, एक नई शुरुआत आप कर सकते हो, और आप डेफिनेटली टर्न अराउंड कर सकते हो बहुत जल्दी। CS कोर्स देखो हो जाएगा, ज़्यादा समय लगता नहीं है, मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल एक एक साल का ही है भाई, आप उसको टाइम लगा रहे हो, कोर्स ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है? तो बस यही बातें हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग पॉजिटिवली लेते हैं, कितने लोग निगेटिवली लेते हैं, क्या होता है, थोड़ा देखते हैं, फिंगर क्रॉस्ड रखते हैं, ठीक है? चलिए बाय।